नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार विवादों में घिरे रहने के बाद अब उनकी जो ट्रेनिंग चल रही थी महाराष्ट्र में, उसे कैंसिल कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से, और उन्हें ये कहा गया है कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द किया जाता है। अब आपको उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में वापस लौटना होगा। इस संबंध में उन्हें एक लेटर भी जारी कर दिया गया है, यानी उनकी ट्रेनिंग को बीच में ही विवादों के चलते रोक दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें कहा गया है कि 23 जुलाई तक उन्हें एकेडमी में वापस आना होगा। आपको बता दें कि पूजा खेड़कर को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के जरिए यूपीएससी परीक्षा में हिस्सा लिया और आईएएस बन गई। उन पर इसके पहले कई तरह के नखरे करने के आरोप लगे थे। ऑडी कार से जुड़ा उनका विवाद सामने आया था, उनके ऊपर कई जो ट्रैफिक चालान थे वो पेंडिंग थे, और साथ ही इस बीच उनकी जो माँ है उनको लेकर भी एक विवाद सामने आया था। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो हाथ में बंदूक थाम कर एक किसान पर रौब झाड़ रही थी। तो ये पूरा विवाद जो है, लगातार कोई ना कोई नया विवाद सामने आ रहा था, जिसके चलते पूजा खेड़कर की महाराष्ट्र में जो ट्रेनिंग चल रही थी उसको रद्द कर दिया गया है, और उन्हें कहा गया है कि उन्हें तुरंत रिपोर्ट करना होगा एकेडमी में। 23 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि इस बीच जब भी उनसे इस संबंध में कोई सवाल पूछा गया तो पूजा ये कहकर पल्ला झाड़ती नजर आई कि उन्हें इस बारे में कुछ भी कहने से मना किया गया है, वो इस पर कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं है। एक कमेटी का गठन किया गया था उन पर लगे आरोपों की जांच के लिए। उन्होंने कहा था कि वो उसके सामने अपना पक्ष, अपने तथ्य रखेंगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार उनको लेकर विवाद चल रहा था, कई सोशल मीडिया पर कई सबूत उनके खिलाफ पेश किए जा रहे थे, इसको लेकर अब ये फैसला हुआ कि उनकी ट्रेनिंग को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि उन्हें तुरंत वापस बुलाया जाता है एकेडमी में। और इस बीच आपको बताएं कि पूजा खेड़कर का जो घर है वहां पर ताला लटका हुआ है। उनकी माँ, जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक किसान पर बंदूक तानी, वो और उनके पिता दोनों घर से गायब बताए जा रहे हैं। घर पे ताला लटका हुआ है और इस मामले की पुलिस अलग से भी जांच कर रही है। तो काफी दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे कि पूजा खेड़कर का जो पूरा मामला है इस पे कोई बड़ा एक्शन होगा, अब ये एक्शन सामने आ गया है। पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रोक दी गई है महाराष्ट्र में, उन्हें वापस प्रशासनिक अकादमी बुला लिया गया है। इस पर और अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।